पब्लिक एशिया द्वारा चलाई गई मुहिम अब रंग ला रही है। ज्ञात हो कि डीपीएस के प्रबंधन द्वारा गलत तरीके से अपने अनुभवी टीचर्स व कर्मचारियों को निकाले जाने की खबर को सबसे पहले पब्लिक एशिया ने ही निकाला था। डीपीएस प्रबंधन द्वारा अपने टीचर्स व कर्मचारियों को कोविड महामारी के दौर में 20 सेशन में निकाले जाने के अमानवीय कृत्य को उजागर कर इन टीचर्स व कर्मचारियों की आवाज बनने का निर्णय किया और इनको न्याय दिलाने के लिए शासन प्रशासन तक इनकी आवाज को पहुंचाया। इसी कड़ी में जिलाधिकारी गाजियाबाद ने 2 सदस्य कमेटी जिला विद्यालय निरीक्षक व बेसिक शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में गठित कर डीपीएस विद्यालय प्रबंधन व पीड़ित शिक्षकों और कर्मचारियों को आज अपना अपना पक्ष रखने के लिए तलब किया गया। 2 सदस्य कमेटी के सामने प्रस्तुत हुए टीचर्स ने अपना पक्ष रखा और जब कमेटी ने टीचर्स व कर्मचारियों को निकालने का कारण विद्यालय प्रबंधन के प्रतिनिधि से पूछा तो वो इसका कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। पब्लिकेशन शुरुआत से कह रही है कि इन टीचर्स व कर्मचारियों को निकालने का कोई भी उचित कारण डीपीएस प्रबंधन के पास नहीं है। साथ ही बताते चलें कि डीपीएस इंद्रपुरम की तरफ से नेतृत्व करने आए सदस्य को भी मैनेजमेंट कमेटी या एक उच्च पदाधिकारी जो कि इस मुद्दे पर कोई ठोस बात कह सके या डिसीजन ले सके नहीं था। जब हमारी टीम ने उससे बात करनी चाहिए तो देखिए क्या हुआ। सर सर बता दीजिए, हेलो सर, आपको बैठ लेनी है, इसमें क्या रहा मीटिंग में? क्या आप मीटिंग में आए अभी? सब आप स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव है, बता दीजिए तो। देखा कैसे मुंह छिपाकर वो गाड़ी में बैठ बिना कुछ बोले और पत्रकारों का किसी भी सवाल का जवाब देते हुए निकल गए। ये साफ जाहिर करता है उनके पास कोई ठोस जवाब नहीं था इन टीचर्स और कर्मचारियों को निकालने का या इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी देने का। सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि प्रशासन भी डीपीएस प्रबंधन समिति के क्रियाकल्प व जवाब से संतुष्ट नहीं है। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर पहुंचे टीचरों ने जब हमारे संवाददाता से उनके अगले कदम के बारे में पूछा तो टीचरों ने एक स्वर में कहा कि वे अपना सम्मान के लिए खड़े हुए हैं, यदि हम ही झूठ व अन्याय के खिलाफ झुक जाएंगे तो अपने विद्यार्थियों को कैसे सत्य व न्याय के पक्ष में खड़े होने का पाठ पढ़ा पाएंगे। डीपीएस प्रबंधन को सलाह यही है कि अपनी झूठी जिद को त्याग कर विद्यालय व छात्रों के भविष्य के लिए अपनी भूल सुधार कर अपनी टीचर्स व कर्मचारियों को सम्मान पूर्वक उनके पद पर पुनः प्रदान करें और इसके लिए पब्लिक एशिया पूरी तरह से इन सभी टीचर्स और कर्मचारियों के साथ अंत तक लड़ाई करेगा।